हेलो स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द चैप्टर 24 ग्रामर ऑन द गो। यानी यहाँ ग्रामर के उन वर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका प्रोनंसिएशन तो सेम होता है, मतलब बोलने में वो सेम होते हैं लेकिन उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द शिप विल सेल फॉर मद्रिद टमोरो। शिप के चलने को सेल बोलते हैं। एंड दीज शॉप सेल स्पोर्ट्स गुड्स। तो यहाँ सेल और सेल प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन इनके मीनिंग अलग है। यहाँ सेल शिप के बारे में चलने को बोल रहे हैं और सेल मीन्स कहीं शॉप पर सेल, किसी चीज़ को बेचना। नाउ द गर्ल हैज़ ब्लैक हेयर। यानी किसी गर्ल के हेयर ब्लैक है ना, तो यहाँ हेयर यानी उसके बाल के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट, द हेयर लॉस द रेस टू द टॉर्टॉइस। यहाँ रेस हेयर जो है वो एक एनिमल के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ आप देखेंगे प्रोनंसिएशन सेम है लेकिन इनके मीनिंग बदल जाते हैं। इसी तरह से आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये सारे मीनिंग देख रहे हैं, वर्ड्स प्रोनंसिएशन सेम है लेकिन इसके मीनिंग चेंज हो रहे हैं, मीनिंग आपस में सेम नहीं है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज पर आइए। ए, चूज द करेक्ट वर्ड्स इन ईच पेयर टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। हर हेयर इज़ वेरी लॉन्ग। लॉन्ग क्या हो सकते हैं, ये आपको टू ऑप्शंस दे रखे हैं, करेक्ट ऑप्शंस चूज़ करिए और इसे करेक्ट फिल करिए। तो हर हेयर इज़ वेरी लॉन्ग, लॉन्ग तो हेयर ही हो सकते हैं, येस एच ए आई आर हेयर। आई सॉ हेयर इन द फॉरेस्ट। यहाँ हेयर एक एनिमल के बारे में बात हो रही है, यानी फॉरेस्ट जंगल में तो हेयर ही मिल सकता है ना। इसी तरह माई फादर वॉन्ट्स टू मीट द प्रिंसिपल, यानी मेरे फादर प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं, तो यहाँ एम ई डबल टी मीट आना है। एंड ईटिंग टू मच रेड मीट इज़ बैड फॉर हेल्थ। यहाँ मीट फूड के बारे में बात हो रही है। प्रोनंसिएशन सेम है लेकिन इनके मीनिंग डिफरेंट है। इसी तरह पूरी एक्सरसाइज इसी बेस पर है, प्रोनंसिएशन सेम है लेकिन उनके मीनिंग डिफरेंट है और उसी के अकॉर्डिंग आपको फिल करना है। नाउ एक्सरसाइज बी, आइडेंटिफाई द मिस स्पेल्ड वर्ड्स एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स। ये आप सेंटेंस देख रहे हैं, इसमें उन वर्ड्स को चूज़ करिए जहाँ इनका ठीक तरीके से इसमें यूज़ नहीं हुआ है। द बिग बेयर, यहाँ ये बेयर नहीं ये वाला बेयर आना है, बी ई ए आर बेयर। आई कैन नॉट सी, ये सी समुद्र को बोलते हैं लेकिन यहाँ सी एस डबल ई सी। देयर नोटबुक्स, नो देयर इज रॉन्ग हेयर, तो देयर नहीं, दीज नोटबुक्स आर लाइंग इन द फील्ड। इसी तरह आई नो देयर आर नो ऑल स्टूडेंट्स इन माई क्लास। डियर नहीं डी डबल ई ई आर डियर। ओके,